आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत के बहुत ही ईमानदार लीडर की, गुलजारी लाल नंदा। एक्टिव प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं, दो बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, आपको ये याद रखना है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर सीरीज चल रही है, मैंने हर प्रधानमंत्री की बायोग्राफी को रिव्यू किया है, गुलजारी लाल नंदा को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि एक लेक्चर इन पे बनता है। ये भारत के इंटरिम प्रधानमंत्री, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जब कोई नहीं था तब ये आगे आए थे, हालांकि ज्यादा दिन तक ये नहीं रहे थे दोस्तों, लेकिन इनका जो जीवन है बड़ा ही ईमानदारी से बीता है। जब ये रिटायर हुए थे इनके पास रहने को घर तक नहीं था, इतने ईमानदार थे दोस्तों ये। आमतौर पर ज्यादा लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है, हमको मालूम है प्रधानमंत्री, सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में हमको मालूम है, मोरारजी देसाई के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लेकिन गुलजारी लाल नंदा के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता है क्योंकि ये ज्यादा लैमलाइट में थी नहीं। और जैसा कि मैंने बताया ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे और राजनीतिक उथल पुथल कुछ इतना ज्यादा था कि इनको कोई ज्यादा मौका मिल ही नहीं पाया। उस समय कांग्रेस में जो हो रहा था, जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, जब ये आगे आए थे लीडरशिप के लिए, वो तो सभी को पता है, हालांकि वो भी मैं कवर करूंगा। तो आज हम गुलजारी लाल नंदा की बायोग्राफी को देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। sid_eConnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया है दोस्तों, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, हमारी वेबसाइट विजिट करिए, स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्स हर एग्जाम के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये इतने प्राइम मिनिस्टर्स की बायोग्राफी को मैं रिव्यू जो है वो कर चुका हूं, कोई नहीं बचा है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री बचे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी को रिव्यू कर चुका हूं, इनफैक्ट इन पे तो दो लेक्चर हैं। जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद ही इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर क्या दोस्तों, देखिए इलेक्टेड नहीं थे, ये आपको पता ही है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है सारे एमपीज उसको चुनते हैं, सारे एमपीज मतलब जो पार्टी के होते हैं वो इलेक्टेड लीडर होता है, जो कैबिनेट होता है उसका लीडर होता है, ठीक है ना। तो लीडर ऑफ द मेजोरिटी होता है प्रधानमंत्री। तो अब यहां पे क्या है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होगा या इस इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा। हाँ, प्रेसिडेंट के लिए तो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है ना आर्टिकल 63 कि भैया अगर प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो उसका जो टेन्यूअर वो एक्सपायर हो जाता है या किसी कारणवश प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, लेकिन यहां पे पोस्ट खाली रखना प्रधानमंत्री की सही नहीं रहता है, प्रेसिडेंट इसीलिए चूज करता है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन ऐसा दो ही बार हुआ है। तो यहां पे गुलजारी लाल नंदा दो बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक बार जब जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 का उनका देहांत हो गया था, तो 27 मई से लेकर ये 9 जून तक थे, एक बार 15 दिन के लिए, और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ था 1966 में, तो 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक 13 दिन के लिए। तो आप देख ही सकते हैं ना, काफी छोटा सा इनका टेन्यूवर रहा है, लेकिन डेफिनेटली अगर इनको मौका दिया जाता तो ये कमाल कर जाते, मौका मिला नहीं क्योंकि उस समय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो इंदिरा गांधी की बायोग्राफी का रिव्यू हो चुका है, मोरारजी देसाई की बायोग्राफी का हो चुका है, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी की तो हमेशा ही लड़ाई चलती रहती थी, चौधरी चरण सिंह की बायोग्राफी का रिव्यू हो चुका है, राजीव गांधी की बायोग्राफी का रिव्यू नहीं हुआ, इनका रिव्यू करना बाकी है, उसके बाद वीपी सिंह, चंद्रशेखर राव, पीवी नरसिम्हा राव, देवेगौड़ और आई के गुजराल, ये बैक टू बैक बायोग्राफीज मैंने इसी महीने कवर की है, इनफैक्ट पिछले ही हफ्ते कवर की है। अटल बिहारी वाजपेयी का रिव्यू कर चुका हूं मैं, मनमोहन सिंह की बायोग्राफी और नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी का भी रिव्यू हो चुका है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, खाली राजीव गांधी बचे हुए हैं, लेकिन इस लिस्ट में गुलजारी लाल नंदा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो ये सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे इस लिस्ट में, जैसा कि मैंने बताया था कि गुलजारी लाल नंदा का नाम नहीं है प्राइम मिनिस्टर लिस्ट में क्योंकि ये इंटरिम थे, इलेक्टेड नहीं थे, पार्टी ने इनको इलेक्ट नहीं किया था, ठीक है ना। तो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर टेक्निकली देखा जाए, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल गांधी डेथ, ठीक है, और उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की जब डेथ हुई थी तब ये बने थे। तो दो बार इनको मौका मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको बता दूं कि बहुत इनके पास मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो था। 1952 से 1964 तक ये जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मिनिस्टर रहे थे, इनको
ये लेबर के मिनिस्टर थे, इनको पावर और इरिगेशन का पोर्टफोलियो दिया गया था, उससे पहले भी ये प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, तो काफी अच्छी खासी पोस्ट इनके पास रही है, लीडर थे। लेकिन 1964 में कुछ दोस्तों डायनेमिक्स ऐसे बने, बहुत लोग तो भैया ये चाह ही रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू हटे और उसके बाद फिर मुझको मौका मिले, और उसके बाद जो उथल पुथल शुरू हुई दोस्तों वो फिर बहुत टाइम बाद रुकी है, 1980 में ही जाके रुकी है। ये जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का दौर था दोस्तों, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, मैं बताना चाहता हूं ये भी, चलिए लगे हाथों तो बता देता हूं, इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं आपको पता ही है, मैं हिस्टोरिक इलेक्शन जो अभी तक हुए हैं 10 लेक्चर की पूरी सीरीज लेके आऊंगा, आजादी के बाद जितने भी इलेक्शन हुए जो हिस्टोरिक हुए सारे नहीं, जैसे इंडिया का पहला इलेक्शन कब हुआ था भैया 1952, उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर जो राइज ऑफ इंदिरा गांधी हुआ, उसके बाद फिर इमरजेंसी, तो इस तरीके से मैं पूरी लेक्चर सीरीज लेने वाला हूं, 10 लेक्चर की पूरी सीरीज है ये, और हर संडे को ये टेलीकास्ट होगा, जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, बहुत जल्द आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो दोस्तों समझ गया, बहुत बढ़िया, तो गुलजारी लाल नंदा के बारे में ये अगर हम इन शॉर्ट देखें, और हाँ भैया इनको भारत रत्न भी मिला था, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, भारत रत्न 1997 जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो गुलजारी लाल नंदा को दिया गया था, लेकिन इनका एंड बहुत ही ट्रेजिक हुआ था दोस्तों 1972 में, जब ये पॉलिटिक्स, इन्होंने बोला था कि अब मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, और जो नई सरकार बनी थी इंदिरा गांधी की तो उन्होंने फिर मिनिस्ट्री लेने से मना कर दिया था, हालांकि इंदिरा गांधी नहीं होम मिनिस्टर थे, ये इंदिरा गांधी की कैबिनेट में, और इनको बाहर निकाल दिया था, खैर वो हम देखेंगे, चलिए उसको बात के लिए रखते हैं। 4 जुलाई 1898 में इनका जन्म हुआ था सियालकोट, जो इस समय पाकिस्तान में है, तो भैया उस समय ना पाकिस्तान ना भारत, सब कुछ एक था, श्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म हुआ था, पिताजी का नाम बुलाकी नंदा, माताजी का नाम ईश्वरी देवी बुलाकी लाल नंदा, जो कि एक स्कूल टीचर थे। दोस्तों पिता स्कूल टीचर हो, बच्चे में क्या संस्कार डालेगा आप सोच लीजिए। दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं कि गुलजारी लाल नंदा ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रमुख बात जो मुझे बहुत ज्यादा टच की और एक कमाल की सोच उन्होंने रखी सामने, उन्होंने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख ले, आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख ले, आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो गए तो आप देश को बना सकते हैं, देश को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, उसमें सबसे बड़ी चीज है इंसान की नैतिकता। ये कितनी बड़ी बात कह दी दोस्तों, आप जरा सोच के देखिए, आज हम देखते हैं कि कितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे आईएएस है, बहुत अच्छे आईएएस है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो काफी रिश्वत लेते हैं, ठीक है ना, हैं बिल्कुल हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, काफी ऐसे बड़ी बड़ी पोजिशन पे बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग चले गए हैं, लेकिन करप्शन है वहां पे। तो यहां पे जब तक नैतिक जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, जब तक ये कैरेक्टर नहीं बनेगा, तब तक देश के लिए, देश कैसे आगे बढ़ सकता है, देश के लिए काम करना है तो नैतिकता बहुत ज्यादा जरूरी है, ये उनके वर्ड्स हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा उनका इंटरव्यू जो है वो यूट्यूब पे है, पब्लिक है, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये बात बताई है, और ये भी बताया है कि भैया टेक्निकल स्किल्स जो है वो जरूरी होते हैं कमाई करने के लिए, पढ़ाई बहुत जरूरी होती है कमाई करने के लिए, और एक स्टेटस बनाने के लिए, और ये देश के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, तो ये चीज थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं कि इनकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो वहीं पे ही हुई, और फिर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए, वैसे इन्होंने आगरा लाहौर यूपी हर जगह अमृतसर यहाँ पे भी पढ़ाई की हुई है, लेकिन इनकी जो मेन, इन्होंने जो अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया, बाप रे उस समय इकोनॉमिक्स, वैसे आज भी इकोनॉमिक्स काफी टफ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर इन्होंने LLB किया, ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स से, और उसके बाद फिर ये प्रोफेसर हो गए, जी हाँ एक टीचर भी थे, तो जब ये टीचर थे तो इन्होंने बहुत ही करीब से चीजों को देखा है, समझा है। अब यहां पे इनकी जिंदगी चेंज होने लगी, महात्मा गांधी के जब ये संपर्क में आए तो इनका जीवन चेंज हो गया। दोस्तों अगर आप इतिहास को देखें, मैं भी बायोग्राफीज कवर करता हूं, तो जब भी मैं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताता हूं, शायद ही मुझे ऐसा कोई लीडर मिला है, ठीक है, हाँ अगर हम भगत सिंह को छोड़ दें, चंद्रशेखर, क्योंकि वो तो फिर डिविजन था दो, एक तो पूरा रेवोल्यूशनरी, पूरा मतलब वो तो कह रहा था कि हम तो सीधा ब्रिटिशर को मार मार के भगा देंगे, और एक जो बिल्कुल मॉडरेट्स था, तो जितने अगर आप मॉडरेट्स लीडर को देखें और भी लीडर को देखें, महात्मा गांधी के हर कोई संपर्क में आगे बदल गया है।
तो महात्मा गांधी के जब ये संपर्क में आए, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा था वैसे, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसका पूरा मैंने रिव्यू किया है, आप देख लीजिएगा। तो इनका भी जीवन बदला। उसके बाद ये पूरी तरह कूद गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इससे पहले इन्होंने, ये रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने वहां पर रिसर्च भी की। फिर इन्होंने 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया था दोस्तों, और उसके बाद भैया ये फिर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, क्योंकि आपको पता ही है चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, गांधी जी ने पूरे मूवमेंट को वापस ले लिया था, तो यहां पे इन्होंने ये बॉम्बे में, बॉम्बे चले गए, वहां पे फिर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे, और उसके बाद फिर ये टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, वहां पे भी इन्होंने 1946 तक काम किया था। उसके बाद 1930 में भी जो सिविल डिसोबीडियंस हुआ था वो भी आजादी के लिए ही था, लड़ाई ब्रिटिशर से वो इन्होंने जारी रखी, 1932 में इनको जेल भी भेजा गया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942-1944 तब भी इनको जेल भेजा गया। ये बताते हैं दोस्तों कि उस समय क्या था, उस समय कोई जो भी जेल नहीं जाता था उसको बोलते थे कि अरे यार तुम जेल नहीं गए, क्या बात है यार, जेल जाओ, कम से कम अपना पेट्रियोटिज्म तो दिखाओ, नेशनलिज्म दिखाओ। वैसे पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है चले कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कई बार वैसे बता भी चुका हूं। तो बोलते थे कि यार जेल नहीं गए तुम अभी तक, तो इस तरीके का कुछ माहौल था कि उस समय जेल जाना एक सिंबल हो गया था कि यार जेल गया है, क्या बात है, इसका मतलब ये सच्चा देश भगत है। तो इस तरीके से कुछ हो रहा था। वैसे उस समय ब्रिटिश सरकार जो है पूरी तरीके से सख्ती कर रही थी, उनको पता था कि ये जो लीडर्स हैं इन सबको अगर हमने खुला छोड़ा, महात्मा गांधी को खुला छोड़ा, तो भैया होगा क्या कि ये लोगों में देशभक्ति की भावना भड़काएंगे और हमको मार मार के ये सब बाहर निकालेंगे। और यही हो रहा था, डू और डाई का नारा दिया गया था ना। बहुत सारे दोस्तों एंगल्स है, डायनेमिक्स है, उसमें फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा, अपनी बायोग्राफी में गुलजारी लाल नंदा तक ही सीमित रखूंगा। वैसे मैंने बहुत बार ये सारी चीजें डिस्कस भी की है, बताई भी है, पार्टीशन ऑफ इंडिया का भी मेरे वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस हैं, तो दोस्तों आप देख लीजिएगा। तो गुलजारी लाल नंदा उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव थे, फ्रीडम फाइटिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश राज से सत्ता छीन कर भारत को सौंपा जाए। इसी समय दोस्तों 1935 का जो वो एक्ट, ऐतिहासिक एक्ट, भारत को पार्शियल इंडिपेंडेंस जिसने दे दी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें भारत की जो पार्टीज है वो इलेक्शन लड़ सकती थी, तो वहां पे जब इलेक्शन लड़के आए तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से ये चुनके भी आए, ठीक है, 1937 की बात है। तो वहां पे फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे दोस्तों। सिंस इनका जो सब्जेक्ट था, इनका जो विषय था वो लेबर था, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि लेबर लॉ से ये जुड़े हुए थे, इनको पता थी कि उस समय कंडीशन क्या है और जो पूरी इकोनॉमिक्स थी उससे ये डील करते थे। तो इसीलिए इनको, इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए वो भी लेबर्स के लिए ही बनाए, वर्कर्स के लिए काफी ज्यादा बनाए, काफी ज्यादा उनके लिए काम किया, सबके लिए काम किया, लेकिन लेबर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा ओरिएंटेड थे। प्लस दोस्तों इनको मिनिस्ट्री और इनको पोर्टफोलियो भी वही वाले दिए गए, ठीक है ना, जो लेबर लॉ से एसोसिएटेड होते थे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब उसके बाद बॉम्बे गवर्नमेंट की तरफ से लेबर मिनिस्टर रहे 1946 से 1950 तक। इस लेबर डिस्प्यूट बिल इन्होंने सक्सेसफुली पायलट किया स्टेट असेंबली में। 1947 में भारत आजाद होता है, प्लानिंग कमीशन बनती है, क्योंकि भैया 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए थे ना। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में क्या तारीख थी, कौन सी डेट थी 5 ईयर प्लान्स लॉन्च होने की। उसके बाद इनको वाइस चेयरमैन बनाया गया था नेशनल प्लानिंग कमिटी का, यानी कि प्लानिंग कमीशन का इनको वाइस चेयरमैन भी बनाया गया था 1950 से 1952 तक। और 1952 से 1964 तक ये कांग्रेस सरकार में, ये जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में रहे थे, और इनको बहुत सारे पोर्टफोलियो जो है वो मिले थे इस दौरान, काफी मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो मिली थी और इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। दोस्तों ये बहुत ईमानदार थे, मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, करप्शन को लेकर ये बहुत ज्यादा सख्त थे, ये बिल्कुल भी करप्शन भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते थे। और इन्होंने काफी ज्यादा बात भी बोली थी कि करप्शन को जड़ से मिटाना हो, वैसे ये करप्शन का जो रूट है, रूट कॉज है, ठीक है, जो कारण है, वो ये मानते थे कि आजकल इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इच्छा के कारण, लालच के कारण लोग करप्शन करते हैं। दोस्तों ये सच बात भी है, आप खुद ही अपने आप पे आजमा के देखिए कि इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं रहता है। अगर उसको 2000 मिलता है तो बोलता है मुझे 3000 चाहिए, 10000 मिलता है फिर 15000, 15000, 20000, 1 लाख अगर किसी को मिल रहा है तो भी वो सेटिस्फाई नहीं है।
तो ये बहुत बड़ी कारण है। भैया किसने बोला था कि तृष्णा त्याग दो हमेशा खुश रहोगे, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ ये किसने बोला था, ठीक है ना। अब दोस्तों ऐसा है कि गुलजारी लाल नंदा ने करप्शन के लिए तो बिल्कुल एक पूरा अलग ही सेल बना दिया था, ठीक है ना, कि कोई भी अगर करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होगा तो उसको तो छोड़ा नहीं जाएगा। और वो फिर उन्होंने बोले ही था कि इंसान का जब कैरेक्टर बदल जाएगा, जब वो नैतिक जिम्मेदारियों को समझेगा, तो अपने आप ही करप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, इन्होंने बोला था रिश्वत लेने से जो रिश्वत लेता है उससे ज्यादा बड़े गुनहगार वो होता है जो रिश्वत देता है। हर किसी ने दोस्तों एक ना एक पॉइंट पर रिश्वत दी ही है, तो वो सबसे बड़ा गुनहगार है। अब ऐसा क्यों उन्होंने बोला, इसलिए दोस्तों क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए, अक्सर ये लगता है कि अरे यार अगर हम रिश्वत नहीं देंगे तो क्या फायदा, लोग तो दे ही रहे ना, हर कोई अगर रिश्वत देना बंद कर दे तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हर कोई ये समझ ले कि हमको रिश्वत देनी ही नहीं है तो फिर करप्शन होगा ही नहीं, चालान काटना काटो चालान कोई प्रॉब्लम नहीं। हर कोई बस ये समझ जाए कि हमको देना ही नहीं रिश्वत, तो फिर पुलिस वाले या जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं, सब जो करप्शन करते हैं, ये अपने आप फिर लाइन पे आ जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ यार अब तो सही तरीके से ही चलना होगा। बहरहाल ये सारे उनके व्यूज थे दोस्तों। तो ऐसा है कि गुलजारी लाल नंदा 1952 से लेकर 1964 तक ये जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में थे, और जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। इनको डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज मिलते रहे थे, इरिगेशन, वाटर, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब, इन सब के यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। प्लस इन्होंने डेलीगेशंस भी लीड किया है दोस्तों, योगोस्लाविया गए थे उसी दौरान, ये 1959 के दौरान, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा में गए थे, वहां पे जो लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, डेलीगेशन को लीड किया था, सिंगापुर गए थे, तो हर जगह गए भी थे, इतना बड़ा इनका कैलिबर था। उसके बाद दोस्तों 1957 में इलेक्शन हुए, ये चुन किया है लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जो थी इनकी, गुजरात, साबरकांठा गुजरात। 1962 पे इलेक्शन हुए, ये री इलेक्ट दोबारा चुन के आए, तो लोग भी इनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। प्यार इसीलिए करते थे दोस्तों क्योंकि ये बहुत ज्यादा ईमानदार थे। अभी बताऊंगा जब ये इन्होंने रिटायरमेंट लिया था तब दोस्तों क्या दिक्कत आई थी। अब दोस्तों 27 मई 1964 जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, देखिए कुछ भी आप कितना भी उनको गालियां दें लेकिन एक चीज तो माननी होगी, जवाहरलाल नेहरू का कैलिबर बहुत ज्यादा काफी अच्छा था, क्योंकि इतने सालों तक प्रधानमंत्री रहना और यहां पे ज्यादा ऑपोजिशन इन्होंने फेस नहीं किया क्योंकि सपोर्ट था इनके पास, ठीक है। तो ऐसा था कि अगर कोई लीडर हो तो वो जवाहरलाल नेहरू ही ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है उनको हर चीज के बारे में नॉलेज है और अच्छे से लीड कर रहे हैं। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, अब पोस्ट खाली हो गई, तो यहाँ पे मुरारजी देसाई बिल्कुल बोले कि अरे मुझे प्रधानमंत्री होना चाहिए, इधर पे प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन के कामराज, भैया के कामराज जिनको किंग मेकर भी बोला जाता है, उन्होंने पूरा प्लान बनाया। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया था, लेकिन बीच में जो ये टाइम था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे और जवाहरलाल नेहरू का जब देहांत हुआ था, तो ये बीच में जो वक्त था, इसके इस बीच में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया किसको, गुलजारी लाल नंदा को, 27 मई से लेकर 9 जून तक। तो 15 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आ गए। जब लाल बहादुर शास्त्री आए, लाल बहादुर शास्त्री का जो टेन्यूअर था, 1966 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया, दोबारा इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के कैबिनेट में ये होम मिनिस्टर रहे थे दोस्तों, 1963 से लेकर 1966 तक ये होम मिनिस्टर रहे थे इंदिरा गांधी की कैबिनेट में। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि आपको बता दूं कि लोकसभा पे सबसे पहला जो डेडली अटैक हुआ था, जो हमला हुआ था, वो 1966 में ही हुआ था। कहानी दोस्तों ऐसी है कि बहुत सारे साधु जो है वो इकट्ठा हुए थे। अच्छा, इससे पहले मैं गुलजारी लाल नंदा के बारे में एक और बात बताना चाहता हूं। ये साधुओं की बहुत इज्जत करते थे भैया, ये बोलते थे जब इंसान भटक जाता है तो गुरु की तलाश में ही जाता है, तो हमारे संत, हमारे साधु, इनकी इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इन्होंने तो भारत साधु समाज भी बनाया, इन्होंने भारत सेवक संघ बनाया, ये कस्तूरबा ट्रस्ट, हालांकि कस्तूरबा ट्रस्ट तो लेबर लॉ से, मतलब वर्कर से रिलेटेड है, तो कस्तूरबा ट्रस्ट के भी चेयरमैन रहे थे। इन्होंने मजदूर सेवा संघ भी बनाया, ठीक है ना, तो इन्होंने भारतीय साधु समाज भी बनाई, ये दिखाता है कि साधुओं से इनका काफी लगाव था, ठीक है। और सही बात भी है भाई, अभी इस समय जो हमारे संतों के साथ व्यवहार किया जाता है वो ठीक नहीं है।
तो यहां पे दोस्तों ऐसा है कि हजारों के तादाद में क्राउड गैदर हुआ, पार्लियामेंट पर अटैक करने चला गया। क्यों? क्योंकि ये जो गौ हत्या होती थी, जो स्लॉटर होता था काऊ का, उसको बंद करो, ये सारे साधु मांग कर रहे थे। तो अटैक कर दिया पार्लियामेंट पे कि ये कामराज बाल बाल बचे थे, वरना उनको भी मार दिया जाता। जी हां, इतनी खतरनाक कंडीशन आ गई थी। तो इंदिरा गांधी को ये लगा कि गुलजारी लाल नंदा भी इसमें शायद शामिल है, इसमें शायद, क्योंकि ऐसा उनको लगा कि ये साधुओं का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको सैक कर दिया, तो उनको हटा दिया गया था। बहरहाल जब 1969 में कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, पता है ना, वो पूरा मैंने कवर किया, इस लेक्चर में मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो गुलजारी लाल नंदा ने इंदिरा गांधी का ही साथ दिया था, और उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा ने 1972 में रिटायरमेंट, उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे कि अब मैं जो राजनीति है वो नहीं करूंगा। आपको बता दूं कि जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, दोबारा जब सरकार बनी थी, तो इंदिरा, मतलब ऑफर था गुलजारी लाल नंदा के पास कि वो वापस पॉलिटिक्स में आ जाए और उनको मंत्री का पद मिलेगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब दोस्तों ऐसी कहानी है कि जब वो रिटायर हुए तो उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। उन्होंने इतना ईमानदारी से अपना जीवन जिया था कि उनके पास पैसा तक नहीं था, और उन्होंने मदद लेने से, अपने बच्चों से मदद लेने से, इनकी शादी जो है वो लक्ष्मी से हुई थी, अपने बच्चों से लेने से मदद, अपने दोस्तों से लेने से मदद, हर किसी से मदद लेने से इनकार कर दिया कि मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए। ऐसा इनका व्यक्तित्व था, इतने ज्यादा ईमानदार थे। तो इनको बहुत परसुएट किया गया। ये डिफेंस कॉलोनी में रहते थे, दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में, वहां पर भी किराए का मकान लेके रहते थे, लेकिन किराया भी नहीं दे पा रहे थे वो, किराए में भी इनको बहुत दिक्कत आ रही थी। तब इनको बोला गया कि कम से कम, इनको परसुएट किया गया कि जो फ्रीडम फाइटर की पेंशन है 500 रुपए प्रति माह, वो तो ले लीजिए आप, तब ये माने जाके, और तब इन्होंने वो पेंशन ली। 1998 15 जनवरी को इनका देहांत हो गया था, 99 साल के थे दोस्तों, ये 99 साल के, और वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत रत्न इनको 1997 में मिला। तो ये चीज थी, हालांकि इनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी कि ये भारत रत्न रिसीव करने आ सके, लेकिन बहुत लोगों ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, और ये बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट था, और इनको मिलना भी चाहिए था दोस्तों। भारत रत्न जिसको मिल गया तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, और एक साल बाद 1998 में इनका देहांत हो गया, और ये इतना ईमानदार, इतना जबरदस्त लीडर जो है हमको छोड़ के चला गया। तो दोस्तों ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।